हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चालू करने वाले हैं फिर अपना कंपनीज एक्ट का टॉपिक। पिछले क्लास में वैसे मैंने आपको इसकी ब्रीफिंग जरूर दे दिया था। आपको मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट क्यों बनाया गया है, नए कंपनीज एक्ट की क्यों जरूरत आई थी, जब हमारे पास पहले ही 1956 का एक्ट था तो 2013 के एक्ट में हम क्यों आए, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में क्या क्या थे, पहले के कौन कौन से कंपनीज एक्ट थे, कौन कौन से लॉ थे, ये हमने देखा। कंपनी से रिलेटेड भारत में किस प्रकार के लॉ पाए गए हैं, इसके बाद हमने देखा कि यह एक्ट लगता किस किस को है, एप्लीकेबिलिटी कहां तक लगता है, पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यह सब हमने देखा, सेक्शन वन में ये बताया गया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे कंपनी बनती कैसे है। कंपनी के बनने से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो अब आज के चैप्टर में हम चालू करेंगे, आज के लेक्चर में हम चालू करेंगे। और ये आपके बुक में, अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे तो ये पहला चैप्टर नहीं है, ये बुक में आपके सेकंड चैप्टर दिया गया है। तो देखते हैं अपन कंपनी बनती कैसे है। सबसे पहले तो कंपनी बनाने वाला होना चाहिए भाई, जब कुछ बनना है तो बनाने वाला भी होना चाहिए। बोलते हैं ना कि एवरी क्रिएशन हैज अ क्रिएटर। तो यहां पे समझो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति कुछ तो भी एक आइडिया सोच रहा है, ऐसे ही खाली बैठा था और उसके मन में कुछ आइडिया आया। होता है ना, अपन खाली बैठे रहते हैं तो आइडिया आता है मन में, वैसे इस व्यक्ति के मन में एक आइडिया आया कि यार अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं बैठे बैठे। खास तौर पे जब आप क्लास में बैठे रहते हैं तब ऐसा होता है, आप क्लास में बैठे हैं मन तो लगता नहीं, इधर उधर भागते रहता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे सोचते रहते हैं। तो वैसे ही ये व्यक्ति के मन में भी आइडिया आया। जैसे आपने देखा सचिन और बिन्नी बंसल, तो उन्होंने फ्लिपकार्ट चालू किया। कैसे चालू किया, तो पहले उनके मन में आइडिया आया। तो देखो ध्यान रखो, ये अकेला व्यक्ति वो जरूरी नहीं, कई बार दोस्तों के साथ मिलके आइडिया थे, दो दोस्त बैठे हैं कुछ तो भी फालतू की बातें कर रहे थे और कुछ नया सोच लिया, अरे अपन ऐसा करेंगे, अपन एक काम करते हैं, अपन बिजनेस चालू करेंगे, अपन ये चीजें बेचेंगे ये खरीदेंगे, या फिर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं, अपन चलो कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे। तो ये सब आइडिया आया। तो ये आइडिया अकेले व्यक्ति के मन में भी आ सकता है या एक से ज्यादा व्यक्ति के मन में भी आ सकता है। तो ये जो व्यक्ति है जिनके मन में आइडिया आता है, इनको हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर जो व्यक्ति है ये या तो अकेला हो सकता है या ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, इट कैन बी इवन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो तीन चार लोगों के मन में मिलके आइडिया आया, तो ये भी हो सकता है। अब आइडिया तो आ गया, लेकिन क्या भाई ये आइडिया पॉसिबल है? आइडिया तो बहुत आते हैं ना अपने मन में, अरे ऐसा करेंगे मस्त अपन चांद पे घर लेंगे पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बस वही है, आइडिया बहुत आते हैं लेकिन ये जो आइडिया है क्या ये आइडिया फिजिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या हम ये कर सकते हैं? फिजिबल यानी पॉसिबल, क्या ये किया जा सकता है? तो ये होना तो चाहिए बट ये पॉसिबल भी होना चाहिए, करने लायक होना चाहिए। तो सबसे पहले ये वही काम करेगा, सबसे पहले ये पता करेगा क्या ये आइडिया पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा, प्रमोटर सबसे पहले देखेगा फिजिबिलिटी स्टडी, ये पता करेगा क्या ये फिजिबल है, फिजिबिलिटी स्टडी करेगा है। या तो खुद करे या किसी से करवाएगा कि यार देखो मेरे को ऐसा आइडिया है, मैं एक ऐसा बल्ब बनाना चाहता हूं जो कि लाइट चले जाए फिर भी चालू रहे तो अपन अपन सोचते नहीं है लेकिन ये बल्ब बनाया है किसी ने। तो एक व्यक्ति है कोई जिसने इनोवेशन के तौर पे कुछ तो भी कर रहा था और उसने सोचा कि चलो ऐसा एक बल्ब बनाते हैं जो इवन लाइट जब चले जाती है, बत्ती गुल हो जाती है तो भी मीटर चालू रहे यानी जब लाइट नहीं है तब भी वो चलता रहे बल्ब। तो उसने क्या किया, वही बल्ब के अंदर एक कुछ तो भी इन्वर्टर टाइप जैसा रहता है, इन्वर्टर में कैसा बैटरी स्टोर हो जाती, वैसे इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वो स्टोर हो जाएगी और फिर बाद में इवन लाइट नहीं रहेगी तो भी वो चल सकेगा। तो ये उसने बनाया गांव के लिए, अपन तो सोचते नहीं, अपन जो सोचते हो तो बकवास रहते आइडिया और जो काम के रहते हैं वो अपने को लगता ही नहीं यार, अपन सोचते सब तो बन चुका है लेकिन जिसको बनाना है वो कुछ ना कुछ नया बना ही लेता है। तो ऐसा है, तो फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ता है हमको कि भाई क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सही में किया जा सकता है। तो जो भी उसने सोचा तो क्या वो सोच असल में की जा सकती है, क्या उसको हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वे में बना सकते हैं, कुछ तो भी उसे यूज कर सकते हैं। तो वो फिजिबिलिटी देखेगा, पॉसिबिलिटी देखेगा क्या ये किया जा सकता है। फिर अगर ये पॉसिबल है तो फिर वो अब ये सोचेगा कि भाई अगर हमको ये करना है तो हमको कैसे करना है,
फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है, कोई बिजनेस चालू करता है, इकोनॉमिक्स पढ़े हैं आपने पिछले साल, तो उसमें आपने पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई बिजनेस चालू करता है तो वो क्या करेगा, वो रिसोर्सेस इकट्ठा करेगा, वो रिसोर्सेस यूज करेगा, रिसोर्सेस लाएगा, जैसे कि मेन मटेरियल, मनी, ये सबको इकट्ठा लाता है। याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा, है ना? तो मेन मटेरियल, मनी, ये सब लोगों को जोड़ के लाता है। यहां पे इन लोगों को सबको जोड़ के लाएगा और फिर सोचेगा कि अब अपन ने क्या करना है, आगे कैसे चालू करना है। जैसे कि वो चालू करेगा फिर कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो देखेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होना, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे मान लेते हैं उसने डिसाइड कर चुका है कंपनी बनाना है। तो अब कंपनी बनाना है तो कंपनी भी क्या वो प्राइवेट बनाना चाहता है या पब्लिक बनाना चाहता है, तो ये चीज भी वो देखेगा। तो कंपनी में दोनों हो सकता है, वो हो सकता है पब्लिक कंपनी बनाए। अब ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी अभी हमने देखा नहीं है, बट अभी अपन देखेंगे। तो हो सकता है वो प्राइवेट कंपनी बनाए। अगर वो पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है तो उसको 7 लोगों की आवश्यकता होती है, और वो प्राइवेट बनाना चाहता है तो 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीजें सेक्शन नंबर 3 में दी है, जो अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम डायरेक्टली सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी अगर वो बनाना चाहता है तो 7 लोगों को लाना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है एक खुद है और 6 लोग को लेके आएगा, या हो सकता है और ज्यादा भी ला सके, मिनिमम 7 लोगों को लाना पड़ेगा। और प्राइवेट कंपनी है तो ऐसे केस में मिनिमम 2 लोग। तो ये क्या करेगा, ये उन लोग के पास जाएगा और उन लोग को इकट्ठा करेगा, ये जो व्यक्ति है इनको ही हम बोलते हैं सब्सक्राइबर्स। अभी ये मेंबर्स नहीं बने, ध्यान रखना, ये सब्सक्राइबर्स है। सब्सक्राइबर्स यानी क्या, तो दे विल सब्सक्राइब टू दी मेमोरेंडम। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स करके ऐसे 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं, जो कि अभी अपन डिटेल में उसके बारे में भी देखेंगे थर्ड चैप्टर में, कि मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं। अभी समझने के लिए ये ध्यान रखो, सिर्फ मेमोरेंडम यानी जीवन कुंडली है कंपनी की कुंडली रहती ना, तो वैसे ही जीवन कुंडली है, यानी इसमें कंपनी के बारे में डिटेल लिखी रहेगी। उसमें लिखा रहेगा कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी कहाँ रहेगी, उसका क्या रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा, तो ये लिखा रहेगा, स्टेट उसमें बताया जाता है। फिर उसमें ऑब्जेक्ट्स बताए रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल जीवन कुंडली टाइप है, जैसे आपकी जीवन कुंडली होती है, होती है ना, उसमें लिखा रहता है कि आपका नाम क्या रखेंगे, तो नाम लिखा रहता है। फिर आप कहाँ पैदा हुए वो लिखा रहता है। फिर लिखा रहता है आप क्या करेंगे, तो किसी के कुंडली में लिखा है वो बहुत पढ़ाई करेगा, तो रहता है। फिर बहुत पढ़ाई करेंगे बोलते हैं तो सीए करने आ जाता है। फिर वो एक और दूसरे व्यक्ति को कुंडली दिखाता है, यार बड़ी दिक्कत चल रही है। फिर वो दूसरा व्यक्ति उसको बोलता, भाई तूने पूछा क्यों नहीं पहले, देख इसमें लिखा है तू पढ़ाई करेगा, इसमें ये नहीं लिखा है तू पास होएगा, तो फिर वो सीए करने आ गया तो ऐसा है। तो कोई लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, तो खैर, तो अदरवाइज मत लो, बट एग्जाम्पल है। तो हाँ खैर, तो ये कंपनी का जो मेमोरेंडम है ना, मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सब डिटेल में बताया कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जैसे आप सीए करेंगे तो वो बताया गया, तो ऐसे ही कंपनी क्या करेगी, जैसे कंपनी कोई चीज की ट्रेडिंग करने वाली है तो लिखा रहेगा कंपनी विल डू द ट्रेडिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रहे, फर्नीचर रहे, तो जो भी है वो लिखा रहेगा उसमें, ठीक है? और डिटेल में पूरी चीजें बहुत डिटेल में रहता है, ये अपन चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में देखने वाले हैं। वैसे ही एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये भी अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं ये क्या है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये बताते हैं इंटरनल मैनेजमेंट। यानी कंपनी जैसे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचेगी, लेकिन वो किस प्रकार से बेचेंगे, डायरेक्टर्स को क्या पावर है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ये सब चीजें उसमें बताई रहेगी। जैसे समझो मेमोरेंडम में लिखा है कि एक कंपनी जो है वो एक प्रॉपर्टी खरीदी विक्री कर सकती है, अगर ये लिखा है तो कर सकती है, लेकिन वो कैसे कर सकती है वो लिखा रहेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। उसमें जैसे 2 डायरेक्टर की साइन होना उस डॉक्यूमेंट में, या 3 डायरेक्टर की साइन होना जिससे आप सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। फिर ऐसा लिखा होगा कि उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना है। अब रेजोल्यूशन क्या होता है ये भी अपन देखेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, फिर जनरल मीटिंग में क्या रेजोल्यूशंस पास होते हैं, तो ये सब डिटेल में, बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें जो होती है आर्टिकल्स में लिखी होती है। तो इसको हम सब्सक्राइबर्स क्यों बोलते हैं, इन लोगों को सब्सक्राइबर्स इसीलिए क्योंकि ये लोग सब्सक्राइब करते हैं, ये लोग साइन करेंगे इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, और इसके अलावा ये लोग पैसा भी देंगे, क्योंकि अब ये काम कर रहे हैं तो शेयर्स लेंगे और ये पैसा भी देंगे, ठीक
ठीक है, तो पैसा दिया जाएगा टू दी प्रमोटर। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये सब होने के बाद अब कंपनी चालू करने की बात आएगी, फॉर्मेशन की बात आएगी, तो ये क्या करेगा, प्रमोटर ये सब चीजें, ये सब एक हिसाब से फॉर्मेशन की बातें हैं, फॉर्मेशन ही हो रहा है यहां पे, इसी को हम बोलते हैं प्रमोशन। ये जो प्रमोटर क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है कंपनी को, बना रहा है, अभी बनाने की प्रक्रिया चालू कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रमोशन स्टेज। तो अपन देखेंगे अभी ये प्रमोटर जो है इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये प्रमोटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करने के बाद ये फिर कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पार्टीज, तो तीसरे व्यक्तियों के साथ, थर्ड पार्टीज के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा। किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, तो बहुत प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल एक सीए सीएस या सीडब्ल्यूए या एक एडवोकेट को हायर करना, उसको उसकी सर्विसेज लेना, उसको पैसा देना, क्यों, क्योंकि कंपनी बनाना है। अब उसको थोड़ी पता है कि कैसे बनाई जाती है, उसको ये भी नहीं पता है कि भाई अपने को मेमोरेंडम आर्टिकल्स कैसे बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हायरिंग ऑफ सीए सीएस सीडब्ल्यूए एडवोकेट, ये सब लोगों को हायर करना, ये सब काम ये करेगा। फिर वैसे ही मेमोरेंडम वगैरह की ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, तो ड्राफ्टिंग तो सीए सीएस लोग कर देंगे ऐसा अपन मान लेते, तो इसीलिए वो ऊपर के पॉइंट में आ जाता है। फिर प्रिंटिंग कराना पड़ेगा, प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स। फिर और कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि उसको रेंट पे कोई फर्नीचर चाहिए, उसको एक ऑफिस चाहिए था, तो ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस लगेगा कंपनी का, तो कंपनी के लिए वो या तो रेंट पे लेगा या खुद की कोई जगह होगी या खरीदेंगे, तो वो जो खरीदेंगे तो उससे उस चीज का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अदर्स अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, बाकी के भी कॉन्ट्रैक्ट से करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये कॉन्ट्रैक्ट वो कब कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है कंपनी बनने के पहले। अभी कंपनी का जन्म हुआ क्या, नहीं, अभी तो सिर्फ आइडिया है कि भाई कंपनी को अपन ने लाना है तो कंपनी अभी बनने की है, लेकिन उसने अभी सोच लिया कि कंपनी बनाना है, लेकिन अभी वो जन्म नहीं हुआ, वो होने का है, वो अगली स्टेज में होगा, हम देखेंगे। अभी ये कौन सी स्टेज बताया मैंने आपको, प्रमोशन स्टेज, इसी को आप बोल सकते हैं, ये है आपका प्रमोशन स्टेज, ठीक है। इसके बाद रहेगा इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ठीक है, फिर इसके बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कंपनी बनेगी, फिर रेजिंग ऑफ कैपिटल स्टेज रहेगा, ठीक है। तो एक और होता था पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब वो सेक्शन हटा दिया गया है, तो अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कोई स्टेज नहीं रहेगी, ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे डिटेल में। तो देखो, तो ये थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें कर रहा है। अब ये सब होने के बाद आखिर में ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं, इसको साइन कराया जाता है इन लोगों से, तो ये साइनिंग वगैरह भी इनके पास जाके वो करेगा। अब ये सब होने के बाद क्या कंपनी अभी बन गई, तो नहीं, अभी कंपनी फॉर्म होने की है, अभी इन लोगों ने सिर्फ पैसा दिया है, बाद में ये सब होने के बाद फिर ये कंपनी फॉर्म करेगा। अब ये व्यक्ति जो है ना प्रमोटर, ये काम जो कर रहा है प्रमोशन के, ये इसको हमने डिफाइन किया है कि ये काम चालू कर रहा है। अपन ने क्या बोला, प्रमोटर यानी हर वो व्यक्ति जो हर ये काम कर रहा है, हर चीज कर रहा है, ये सब काम कंपनी को बनने में मदद कर रहा है, तो फिजिबिलिटी, रिसोर्सेज अवेलेबल करना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब काम करने वाला व्यक्ति प्रमोटर है, ये हमने बोला। लेकिन ये व्यक्ति प्रमोटर है, ये पहले अपन ऐसा बोलते थे, ये केस वगैरह के हिसाब से आया था, केस स्टडीज वगैरह हुई थी, केस लॉज हुए थे, केस लॉज के ऊपर से डेफिनेशन आई थी, बट अब न्यू कंपनीज एक्ट जो है वो इसको डिफाइन करता है, डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 269, तो 269 में डिफाइन किया है इसको, हम क्या बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 69, ये क्लॉज है, ठीक है। तो क्लॉज क्यों, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वैसे क्लॉज इन्हें जब आपको लिस्ट दी रहती है तो उसको हम बोलते हैं क्लॉजेस, ठीक है। तो सेक्शन सब सेक्शन भी हो सकता है उसके साथ, फिर क्लॉज भी हो सकता है, यहां पे क्लॉज है, क्लॉज में कोई रिलेशन नहीं है। आप देखोगे कि सेक्शन 2 में क्लॉज 1 क्या बोल रहा है और क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, दोनों रिलेटेड नहीं होंगे। जैसे अपन यहां पे भी कंपनीज एक्ट में जितना भी पॉइंट पढ़ेंगे, तो यहां सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी है, तो डेफिनेशन 269 में जो है उसका 268 से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी डिफाइन करता है और क्लॉज 69 प्रमोटर डिफाइन करता है, तो यहां कोई रिलेशन नहीं है। वहीं अगर अपन आगे पढ़ के अभी देखेंगे सेक्शन नंबर 7, उसमें हम देखेंगे कि एक
सेक्शन 7 में बताया कंपनी कैसे क्या फॉर्म होंगी, तो उसमें जितने भी पॉइंट है वो सब क्या है, रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो उसमें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, ऐसा सबसेक्शन होंगे, लिखा ऐसे ही रहेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लिखा कैसा है, ए लिखा है, बी लिखा है, बड़े इसमें लिखा है या छोटे इसमें लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोमन नंबर्स में है या नॉर्मल है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो बता क्या रहा है। इफ इट इज स्टेटिंग अ लिस्ट देन इट इज अ क्लॉज। अगर वो लिस्ट नहीं बताता है बट वो उसी चीज से डील करता है, जैसे अगर सेक्शन 2 के हर पॉइंट एक ही चीज से डील करते थे तो हम बोले होते ये सेक्शन 2 और ये सबसेक्शन है, बट यहां पे एक क्लॉज है, ठीक है। तो ये एक्ट टू एक्ट डिफर कर सकता है। तो हाँ चलो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है। मैंने आपको कभी रटने नहीं बोला हूं और आगे भी कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इवन अब इंस्टीट्यूट भी आप देखोगे जितने भी न्यू कोर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं कभी भी आपको रटने के ऊपर नहीं आ रहे। इनफैक्ट अभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इवन जैसे फॉरेन कंपनी डिफाइन करना है तो डायरेक्टली डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती है, वो लोग क्या पूछते हैं केस स्टडी दे देंगे और उसके हिसाब से बोलेंगे क्या ये फॉरेन कंपनी है, वैसे ये केस स्टडी दे देंगे बोलेंगे क्या ये स्मॉल कंपनी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी रटने पर जोर नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां पे प्रमोटर को जब डिफाइन किया तो प्रमोटर को डिफाइन करते टाइम इन्होंने बोल दिया प्रमोटर यानी कौन, तो प्रमोटर होने के लिए तीन चीज बोलिए, या तो एक व्यक्ति जिसका नाम हमने लिख दिया इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम पब्लिक से पैसा लेते हैं, अगर उसका नाम हमने लिख दिया है कि यह व्यक्ति प्रमोटर है तो ऐसे केसेस में वो व्यक्ति प्रमोटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो अब डेफिनेशन जो है इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ये एग्जॉस्टिव है, इसमें बोला है प्रमोटर मींस प्रमोटर मींस कौन, तो प्रमोटर मींस पहला बोल दिया हु इज नेम्ड एज सच इन प्रॉस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस यानी एक डॉक्यूमेंट है जिससे पैसा लिया जाता है पब्लिक से, तो ये भी डिटेल में देखने वाले चैप्टर नंबर 4 में। तो नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड इन एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, तो सेक्शन 92 है ये भी आएगा आगे, तो इसके हिसाब से एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसे आपका साल खत्म होता है तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं, वो रिटर्न में लिख दिया आपने कि ये हमारा प्रमोटर है, ये आरओसी के पास फाइल होता है, तो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये क्या होता है कैसे काम करते हैं, हायरार्की भी अपन धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये आरओसी के पास रिटर्न फाइल होता है, इसमें अगर लिख दिया कि ये व्यक्ति प्रमोटर है तो ये प्रमोटर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज बोल दिया हु इज नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड इन एनुअल रिटर्न्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 92, ठीक है, तो ये व्यक्ति प्रमोटर हो गया पहली चीज। फिर दूसरी, हो सकता है उसका नाम यहां लिखा नहीं गया, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, बट फिर भी वो जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से पूरा कंट्रोल हो रहा है, मीन्स हु कंट्रोल्स अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स वो वाले अफेयर नहीं, अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो कंपनी के अफेयर्स कंट्रोल करता है, कंपनी की वर्किंग कंट्रोल करता है, कैसे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसा भी हो सकता है वो, इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो या तो डायरेक्टली कर रहा है या इनडायरेक्टली कर रहा है, वेदर एज मेंबर भी हो सकता है वो कंपनी का, जनरली होता ही है कि वो कंपनी बनाएगा और बाद में वो मेंबर बन जाएगा, तो वेदर एज मेंबर डायरेक्टर होके भी कंट्रोल कर सकता है और अदरवाइज। तो ध्यान रखो भाई और बहनों, क्या बोला है, मेंबर हो तो भी हो सकता है भले ही वो डायरेक्टर नहीं है, ध्यान दो, डायरेक्टर है तो वो तो काम करेंगे तो प्रमोटर हो सकता है डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर कंट्रोल करता है पूरे अफेयर्स, ठीक है। दूसरा, मेंबर है डायरेक्टर नहीं है, ध्यान रखो डायरेक्टर नहीं है, अब डायरेक्टर मेंबर में पूरा डिफरेंस है और डिटेल में अपन देखेंगे अपन जब पूरा बात करेंगे। तो मेंबर्स यानी पैसे लगाए हैं जिन्होंने, लेकिन डायरेक्टर यानी जो काम करता है, तो वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर का वैसे टॉपिक आपको आगे के लेवल पे और देखने को मिलेगा, तो यहां पे अभी ध्यान रखो डायरेक्टर यानी जो काम कर रहा है,
ठीक है, जो डे टू डे वर्किंग वगैरह देख रहे हैं, या जो इवन हो सकता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव हो, कभी कभी काम नहीं करेंगे, बट फिर भी अपन डायरेक्टर के हिसाब से देखेंगे जो कंपनी को चलाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट देख रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड विद द डायरेक्टर्स। तो वेदर एज डायरेक्टर, वेदर एज मेंबर, मेंबर भी हो सकता है, और अदरवाइज ना डायरेक्टर है ना मेंबर है, बट फिर भी वो अगर कंट्रोल कर सकता है कैसे भी, तो ऐसे केस में ही इज अ प्रमोटर, यानी मैंने बोल दिया और वैसा काम होगा, भले ही मेरे पास कोई शेयर्स नहीं है ना मेरे पास कुछ डायरेक्टरशिप है, फिर भी मैंने बोला और काम होगा, मेरे कंट्रोल में वो पूरा काम होता है, तो ऐसे केसेस में हम बोल देंगे कि यहां पे मैं प्रमोटर हूं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, तो प्रमोटर कौन है, थर्ड पॉइंट के हिसाब से प्रमोटर मींस, पहला है नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड इन द एनुअल रिटर्न, दूसरा है कंट्रोल्स अफेयर्स विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फिर एज मेंबर डायरेक्टर और अदरवाइज कैसा भी हो सकता है, और तीसरा ऑन हूज डायरेक्शंस एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस, ऑन हूज डायरेक्शंस एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस बोर्ड, बोर्ड मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम्ड टू एक्ट, यानी उसके बोलने पे हम वैसा करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैसा करते हैं, जैसे उसने बोल दिया ऐसा करना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैसे ही करेंगे, मैनेजमेंट उसकी सुनेगा, तो ऐसे केसेस में हम बोल देंगे कि वो व्यक्ति भी प्रमोटर है, ठीक है, भले वो शेयर होल्डर ना रहे, मेंबर ना रहे, फिर भी अगर उसके डायरेक्शन पे अगर काम किए जाते हैं तो ही इज अ प्रमोटर, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या होता था, एक सीए भी फंस गया होता, सीए भी डायरेक्शंस देता है, बोलता है ऐसा करना चाहिए, बायबैक करना है, उससे पूछा वो बता दिया कि बायबैक इस प्रकार से करना है, तो इसके डायरेक्शंस पे काम किए गए, तो क्या प्रमोटर हो गया, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट तो ऐसा बोलता है, बट आगे प्रोविजो बोला है कि अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में बताएगा तो ऐसे केस में ही इज नॉट अ प्रमोटर। तो ही शुड नॉट गिव डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है, तो ये बताया है। अब ये जो प्रमोटर है ये प्रमोशन स्टेज करेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान दो, ये प्रमोटर जो है क्या ये खुद के लिए काम कर रहा है, बताओ, क्या ये प्रमोटर खुद के लिए काम कर रहा है, नहीं, सीधी बात है, वो किसके लिए काम कर रहा है, वो काम कर रहा है फॉर दी कंपनी, कंपनी के लिए और फॉर दी सब्सक्राइबर्स, तो वो दो जन के लिए काम कर रहा है, ध्यान रखो, एक तो सब्सक्राइबर्स और फिर ये क्या करेगा, कंपनी भी फॉर्म होंगी, तो कंपनी के लिए काम करेगा, तो वो दो जन के लिए काम कर रहा है, और वो कैसे काम कर रहा है, तो ध्यान रखो वो काम कर रहा है एज अ ट्रस्टी, ही इज वर्किंग एज अ ट्रस्टी, प्रमोटर यानी एज अ ट्रस्टी काम कर रहा है, ट्रस्टी यानी कौन, तो ट्रस्टी यानी जिस पे भरोसा किया गया, तो ट्रस्टर, इन्होंने ट्रस्ट करके इसको पैसा दे दिए, और इसने फिर जो काम कर रहा है कंपनी बनाने का, ये कैसे करना चाहिए, तो इसने ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये ट्रस्टी है, जैसे हमने बोल दिया ट्रस्टी, तो इसका काम है कि इनके हितों की रक्षा करना और इसके हित की रक्षा करना, मींस इसने जो कार्य करेगा वो इनके और इनके लिए होना चाहिए, ठीक है, तो खुद के लिए नहीं करना चाहिए उसने, तो इसीलिए जैसे ही हमने बोल दिया ही इज अ ट्रस्टी, तो यहां से कुछ स्पेशल पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्या इसकी ड्यूटीज आ जाएगी, क्या ड्यूटीज, तो ट्रस्टी का काम होता है कि उसने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, यानी उसको पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, उसने काम करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, सब्सक्राइबर्स और कंपनी के लिए उसने काम करना चाहिए, तो यहां पे जो प्रमोटर है इसका काम क्या है, इसका काम है दो चीज, ये देखो यहां पे ये नहीं बोला है कि उसने पैसा नहीं कमाना, लेकिन उसने जो भरोसा किया गया है वो भरोसे का कत्ल नहीं करना चाहिए यानी क्या, भरोसा किया था उसके ऊपर, तो उसने क्या करना चाहिए, वो भरोसे को पूरा निभाना चाहिए, उसको बोला गया था, उसको पैसा दिया गया था कि ये लो पैसा और कंपनी बनाओ, और वो उससे प्रॉफिट कमा रहा है, जैसे उसने बोल दिया कि मैंने सीए को पैसा दिया 20,000 रुपए, और एक्चुअल में दिया था उसने सिर्फ 5,000 रुपए,
इतने कम में से ये काम नहीं करता। एग्जाम्पल है, तो समझो 20,000 बताया और दिया था सिर्फ 5,000, तो 15,000 खुद के जेब में डाल लिया। तो ऐसे केसेस में उसको ये चीज बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर वो बिना बताए करेगा तो गड़बड़ है। अगर वो बोलेगा कि देखो उसको पैसा देना है सीए को और 5,000 उसको दूंगा, बाकी 15,000 मैं रखूंगा, और अगर ये लोग एग्री करते हैं तो फिर बात और है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे केस में ही शुड नॉट अर्न एनी सीक्रेट प्रॉफिट। तो यहां पे वर्ड्स है कि एज ए ट्रस्टी, जैसे ही बोल दिया तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटीज आ जाती है। तो ड्यूटीज क्या है उसकी? तो ड्यूटीज है, दो ड्यूटीज है। पहली है नॉट टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट। तो कौन सा प्रॉफिट बोला है? सीक्रेट। ऐसा नहीं बोला है प्रॉफिट नहीं कमाना, बोला है सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना। यानी जैसे वो कोई बिना बताए पैसा कमा लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर रहना है, उसने सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है, ये उसका काम है। और दूसरी उसकी ड्यूटी है, उसको डिस्क्लोज करना है इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शंस। डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शंस में जो भी इंटरेस्ट होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे समझो उसने जो कंपनी बनाने को सीए वगैरह हायर किया था, तो ये जो सीए था, ये सीए को उसने हायर किया था, और वो सीए जो था वो उसका समझो भाई था। तो हो सकता है सीए हायर किया और वो सीए उसका भाई है। अब ये उसका भाई है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि ये मेरे भाई को मैंने कंपनी बनाने दिया हूं। तो ही शुड डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट आ गया ना फाइनेंशियल और अदरवाइज, भले उसको पैसा मिल रहा हो या ना मिल रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फाइनेंशियल हो तो भी डिस्क्लोज करना है और नहीं है तो भी करना है, ठीक है। वो कैसे डिस्क्लोज करेगा? तो इट शुड बी डिस्क्लोज या तो बाय वे ऑफ प्रॉस्पेक्टस डिस्क्लोज करेगा, प्रॉस्पेक्टस में बता के, या फिर एक इंडिपेंडेंट बोर्ड को डिस्क्लोज करेगा। यानी जैसे समझो इन लोगों को मिलके डिस्क्लोज करेगा, इनको बताएगा देखो मेरा यहाँ पे पैसा कमाने का थोड़ा मेरे को जरूरत है, क्योंकि मैं इतना काम कर रहा हूं तो मैं इसमें थोड़ा पैसा लूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखो इसको इवन सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं, सैलरी नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि ट्रस्टी है तो ये सैलरी नहीं मांग सकता। हाँ, अगर पहले से एग्री किया है तो बात और है, लेकिन अगर एग्री नहीं किया तो बाद में नहीं बोल सकता मैंने तो इतना काम किया मेरे को थोड़ा पैसा दे दो। पहले से अगर बोला है इन्होंने तो बात और है, बट वो खुद होके ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। अब बात आती है, अगर उसने भरोसा तोड़ ही दिया, उसने अगर ये चीज कर ही लिया, सीक्रेट प्रॉफिट करवा लिया या इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया। देखो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं बोल रहे उससे कराना ही नहीं, अपने भाई से काम नहीं कराना, ऐसा नहीं बोल रहे। या खुद की प्रॉपर्टी वो अगर बेच रहा है कंपनी के नाम से, कंपनी को बेच रहा है, तो ऐसे केस में इट इज अलाउड, बट ही शुड डिस्क्लोज। ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं बोला ऐसा नहीं करना। यहां भी वर्ड ये नहीं लिखा ही शुड नॉट अर्न प्रॉफिट, लिखा क्या है? ही शुड नॉट अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, ठीक है। ये ड्यूटीज कहीं एक्ट में नहीं बताई है, हम ये जनरल एज अ ट्रस्टी जैसे ही बोले तो हम यहां पर उसकी ड्यूटीज निकाल के लाते हैं। तो यहां पर जैसे ही ये पॉइंट हो गए, अगर उसने गड़बड़ कर दिया तो क्या होगा? तो यहां पर अब रेमेडीज मिलेगी कंपनी को, रेमेडीज है ना, उपाय। अगर उसने ये ड्यूटीज पूरी नहीं किया तो कंपनी के पास क्या क्या उपाय हैं? तो अगर वो ड्यूटीज पूरी नहीं करता है तो कंपनी सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकती है, रिसिंड कर सकती है, रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। जो उसने बताया नहीं था या गड़बड़ किया है जिसमें, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा, ये जो उसने प्रॉफिट कमाया था वो रिकवर कर सकता है, रिकवरी ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को वो वापस मांग सकती है कंपनी, ठीक है। तीसरा, सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसने जो भरोसे का कत्ल किया है उसके बदले वो केस फाइल किया जाएगा, तो सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये सब उपाय हैं कंपनी के पास। तो इस प्रकार से राइट्स एंड ड्यूटीज निकल के आती है। तो ये जो प्रमोशन स्टेज है, प्रमोशन स्टेज में प्रमोटर जो व्यक्ति है ये सब काम कर रहा है, और इसका काम क्या है? इसका काम है फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस पर्सन, इनके लिए उसने काम करना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज जो है ये आपको बताई गई है अपने बुक में। तो अपन आ जाते हैं, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया था कि दिस इज अ प्रमोशन स्टेज। तो देखो बताया है, तीन स्टेज बताइए, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और रेजिंग ऑफ कैपिटल।
फिर प्रमोशन स्टेज जो है उसमें बताया, प्रमोशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कंपनी इज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस, कंपनी का जन्म किया जा रहा है यहाँ पे। फिर प्रमोशन वर्क इज डन आइदर बाय पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, तो इन लोग करेंगे जिनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। इट इज द प्रमोटर्स हु कंसीव द आइडिया, इनके मन में आइडिया आया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दे हैंड ओवर द कंट्रोल टू डायरेक्टर्स, जो खुद भी होते हैं ज्यादातर केस में खुद होते हैं। फिर प्रमोशन स्टेज में क्या रहेगा, तो उसमें स्कीम निकाली जाएगी, कंसीविंग अ स्कीम और प्रोजेक्ट, इन्वेस्टिगेटिंग द फिजिबिलिटी क्या है पॉसिबल है, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज लोगों को साथ लाना, फिर टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स। फिर कंपनी प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी बनाया तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इट इज नॉट एन एंड, कंपनी बना के बात खत्म हुई क्या, नहीं, अल्टीमेट तो उसको काम करना है, जो उसने सोचा था यार ये आइडिया है, जैसे कुछ खरीदना बेचना था तो वो तो अल्टीमेटली उसको काम करना है। तो ये क्या है, इट इज नॉट एन एंड, इट इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड, यानी ये अपना वो काम करने के शुरुआत है, अभी तो ये जरिया है सिर्फ, जिससे हम वो अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए, ठीक है। तो इट इज अ मीन्स टू एन एंड, द एंड ऑब्जेक्टिव मे बी टू रन एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को दौड़ाना चलाना, या बिजनेस या एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट। प्रमोटर्स ये सब काम करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, प्रॉपर्टी, मैनेजरल एबिलिटी, ये सब काम करेंगे। फिर आगे अपन देखेंगे टाइप ऑफ कंपनी वगैरह कैसा डिसाइड करेगा, ये भी सब जो है ये प्रमोशन स्टेज है, तो टाइप ऑफ कंपनी डिसाइड करेगा, ये मैंने आपको बता दिया था, पब्लिक और प्राइवेट। बाकी अपन ये नेम अप्रूवल वगैरह और प्रोसेस ये अभी देखने के। फिर इसके अलावा डायरेक्टली हम आ जाते हैं प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन मैंने आपको बताया था प्रमोटर कौन है वो सब, तो प्रमोटर के बारे में आपको दिया है पेज नंबर 2.10 पे। तो आप देखो प्रमोटर, प्रमोटर यानी कौन, एक पर्सन जो प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, जो प्रमोट कर रहा है, कंपनी चालू कर रहा है। पहले पुराने कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन न्यू कंपनीज एक्ट प्रमोटर को डिफाइन करता है, और इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव यानी खत्म हो जाती है। means promoter means a person who has been named as such in prospectus or identified by the company in annual returns, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं आपको रटने नहीं बोलूंगा, बट ये वर्ड्स वैसे के वैसे आना चाहिए जो मैंने अंडरलाइन किया हूं, कि who has been named as such in prospectus or identified in the annual returns, तो आप named, identified ये चेंज कर सकते हैं, बट prospectus, annual return ये वैसे ही जाना चाहिए, ठीक है। सेक्शन नहीं लिखे तो चलता है, वैसे सेक्शंस आपको पूरे याद हो जाने वाले, इसकी मेरी गारंटी है, वो तो मैंने आपको बताया ही था, और वो अपने आप होते हैं अगर आप क्लासेस भी अच्छे से पूरी देखते हैं और साथ साथ में मैं जैसा बता रहा हूं वैसा पढ़ते हैं तो आराम से याद हो जाएगा। तो पहले तो बोल दिया who has been named as such in the prospectus or identified by the company in annual return referred to under section 92। दूसरा बोल दिया who controls the affairs of the company, जो affairs of the company को control करता है, whether directly or indirectly, already बताया, whether as shareholder, director or otherwise, तो member बोलो, shareholder बोलो, तो as a shareholder control कर रहा है, director कर रहा है, या कैसे भी कर रहा है, अगर वो control कर सकता है अपनी company की working को, तो ऐसे cases में he is a promoter। फिर इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट, अकस्टम्ड कस्टम से वर्ड है, कस्टम यानी तौर तरीके, तो उसके बोलने पे कार्य किए जाते हैं, उसके तौर तरीके से किए जाते हैं, अकस्टम्ड टू एक्ट, तो वो जैसा बोलेगा वैसा काम होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ही इज अ प्रमोटर, क्योंकि वो जैसा बोलता है वैसा काम होता है, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड नथिंग इन क्लॉज सी, सब क्लॉज सी शैल अप्लाई टू अ पर्सन एक्टिंग मियरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी एज अ सीए एडवाइस कर रहा है, एज एडवोकेट एडवाइस कर रहा है, तो ऐसे केस में ही विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज प्रमोटर। अब ऑल्सो हेल्ड अर्लियर, पुराने जब लॉ में डिफाइन नहीं किया था, तो एक केस स्टडी के हिसाब से, केस लॉ के हिसाब से ये डेफिनेशन आई है। प्रमोटर यानी वो है ऑल पर्सन हु टेक स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी बनाने से रिलेटेड हर काम जो करेंगे, प्रोस्पेक्टस बनाना, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स बनाना, फिर रजिस्ट्रेशन करना, ये सब को हम प्रमोटर बोलेंगे। फिर वैसे ही एनीवन हु असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर अ कंसिडरेशन पेएबल इफ कंपनी इज फ्लोटेड, फ्लोटेड है ना, चालू कर ली गई, बना ली गई। तो अब लेकिन देखो, अब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, बट यहां पे फिर भी हम बोलेंगे, हम इसको इंक्लूड करेंगे जब तक के क्लैरिफिकेशन नहीं आता। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने भी इसको अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किया है, इसीलिए हमने यहां पे इसको रखा है। अब ड्यूटीज, ड्यूटीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वैसे तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, बट फिर भी ड्यूटीज कहां से आती है, क्योंकि वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी यानी इन ट्रस्ट, भरोसे का संबंध है, तो उसने भरोसे को पूरा करना चाहिए, इसीलिए ही शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है, एंड टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, भले ही वो फाइनेंशियल हो या ना हो, ठीक है। तो डिस्क्लोजर में भी आइदर बाय
आइदर टू इंडिपेंडेंट बोर्ड, बोर्ड को करेंगे, और बाय प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में लिख देंगे, ठीक है। रेमेडीज, अगर वो नहीं करता है डिस्क्लोज अपना इंटरेस्ट या फिर वो सीक्रेट प्रॉफिट कमा लेता है तो क्या करेंगे हम, रिसेशन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और प्रॉफिट रिकवर कर सकते हैं, कंपनी उससे प्रॉफिट मांग सकती है वापस, और सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी डाला जा सकता है, ठीक है। फिर देखो ये बताया है, फिर से ये वही क्लैरिफिकेशन है जो मैंने आपको बोल दिया कि प्रमोटर वैसे खुद की प्रॉपर्टी बेच सकता है कंपनी को, बट प्रॉपर डिस्क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। अगर वो डिस्क्लोजर नहीं करता है तो ऐसे केस में कंपनी उसको रिसेंट कर देगी या कंपेल करेगी कि जो प्रॉफिट कमाए थे वो वापस लाओ। तो प्रमोटर हैज नो राइट टू डिमांड एनी रेम्यूनरेशन, वो रेम्यूनरेशन भी नहीं मांग सकता, ठीक है। ये ऑलरेडी बताया था, अगर एब्सेंस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बताया नहीं गया है तो नहीं मांग सकता। फिर इवन ही कैन नॉट रिकवर, क्या नहीं रिकवर कर सकता, एनी पेमेंट कंपनी के बिहाफ पे किया है, कंपनी को जो बेनिफिट है पूरा पूरा, जैसे लीगल फीस, सीए को पैसा दिया या कोई लॉयर को पैसा दिया, ये भी मांगने की उसको अनुमति नहीं है। स्टैम्प ड्यूटीज, जब मेमोरेंडम आर्टिकल्स रजिस्टर करेंगे आगे हम देखने वाले हैं, तो इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटीज पे की जाती है, ये भी वो पैसे नहीं मांग सकता। रजिस्ट्रेशन फीस, अदर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये पैसे वो नहीं मांग सकता, ठीक है। तो ये हो गया प्रमोटर के बारे में। अब एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है समझो, यहां पे कंपनी यहां जन्म लेती है, यहां कंपनी बनती है, कंपनी यहां फॉर्म होगी, और वो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहा है, कंपनी के फॉर्मेशन के इनकॉर्पोरेशन के पहले, तो इसी को हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वो करेगा, ये जो अपन ने देखे, ये कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये किए क्यों गए, फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, ठीक है। बट यहाँ पे अपन और डिटेल में अभी आगे बात करेंगे, इसका पूरा टॉपिक है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फिर कंपनी कितने हद तक उससे बाइंड होती है, तो ये देखेंगे अपन डिटेल में। तो ये आपको ध्यान रखना है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, आगे मैं फिर से वैसे बताऊंगा। तो ये था आपका एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है वैसे प्रमोटर का, तो आपको ध्यान रखना है, प्रमोटर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया आजकल डायरेक्ट डेफिनेशंस नहीं आ रही है, तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपको ऐसा हो सकता है कि स्टडी दे दी और उसमें बताया कि बताओ क्या ये प्रमोटर है, जैसे पूरा डिटेल बता दिया कि वो ऐसा बोल रहा है और उसके हिसाब से काम हो रहा है और ये हमेशा होते रहता है, तो ऐसे केसेस में वो प्रमोटर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बोलने के हिसाब से अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं तो ऐसे केस में ही इज डीम्ड एज प्रमोटर, बट ही शुड नॉट एक्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है। तो कभी जरूरी नहीं हमेशा प्रमोटर का आंसर हाँ ही आएगा, तो ये तो आपको पता है, हो सकता है वहां लिखा रहेगा सीए है, सीए एडवाइस देता है और एडवाइस देने के बाद उसके बोलने पे काम किए जाते हैं, उसके बिना काम होते ही नहीं, तो क्या वो सीए प्रमोटर हो गया, आंसर है नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा। फिर से एक पॉइंट ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूं एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, मैं ये नहीं बोल रहा अगर सीए एडवाइस देगा तो वो प्रमोटर नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूं सीए एज अ प्रोफेशनल एडवाइस देगा, यानी वो एज अ सीए एडवाइस दे रहा है एज अ प्रोफेशनल एंड नॉट एज मेंबर, या वो जैसे मैं खुद कंपनी बनाता हूं और मैं बोलता हूं ऐसा करो, तो यहां तो मैं प्रमोटर हूं ही, मैं एज अ प्रोफेशनल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ मेरे पास गाइडेंस लेने आ रहे हैं कोई व्यक्ति और मैं उसको एडवाइस दे रहा हूं, तो यहां पे मैं एज अ प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है। तो सीए भी होने के बावजूद हो सकता है कि वो प्रमोटर रहे, क्योंकि वो खुद कंपनी बना रहा, खुद चला रहा है, हो सकता है, तो सीए है बट वो खुद प्रमोटर हो सकता है। तो यहां पे मैंने क्या बोला, इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, एज अ प्रोफेशनल एडवाइस करेगा तब, ठीक है। तो प्रोफेशनल होगा तब, ऐसा नहीं बोला, एज अ प्रोफेशनल एडवाइस करेगा तब, ठीक है। तो फर्क है दोनों में, तो प्रोफेशनल होके भी वो अगर नॉर्मल कैपेसिटी में बताता है, तो ऐसे केसेस में जैसे मैं बोल रहा हूं मैनेज कंपनी बनाया और मैं बोल रहा हूं ऐसा करना है, तो वैसा करते हैं वो, तो इट इज नॉट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो आई विल बी रिगार्डेड एज अ प्रमोटर, ठीक है। तो ये हुआ प्रमोटर का टॉपिक कंप्लीट। तो एक बार ये डायग्राम्स वगैरह जो मैं बनाता हूं ये आपने बना लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के, आपको बाकी चीजें अगर एक बार रिवाइज करना है तुरंत में, तो आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो एक साथ आपका ये रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब अगले क्लास में हम चालू करेंगे इसी के आगे कि प्रमोशन स्टेज के बाद अब नाम वगैरह कैसा ये करना, नाम डिसाइड करना है कंपनी का तो कैसे करेगा, तो नेम वगैरह भी डिसाइड वो यही करेगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो सब कवर हो जाएगा, तो नाम क्या होना चाहिए, फिर नाम कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए कंपनीज एक्ट बताता है, तो ये अपन देखेंगे। एक बात और बता दूं, हम यहाँ जरूरी नहीं टॉपिक वाइज चलें, हम यहाँ ये भी जरूरी नहीं कि चैप्टर वाइज चलें, तो आप देखोगे कि मैं कोई टॉपिक यहां से उठा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, कभी होगा मैं डायरेक्टली चैप्टर 3 पे पहुंच जाऊंगा,
तो ये भी होगा, तो जरूरी नहीं कि मैं एकदम लाइन से चलूं। तो इसीलिए जैसा मैं बता रहा हूं उस हिसाब से ही अपन चलेंगे। बाद में मैं आपको पूरी वो लिंक बता दूंगा, पूरा उसके सेक्शंस को लाइन से बताऊंगा और आपको ये याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो आपको घर पे सिर्फ मेहनत ये करना है, जितना अपन पढ़ रहे हैं उतना रिवाइज करते जाना है रोज का रोज, ठीक है? और बीच बीच में जैसे संडे आते हैं तो संडे को और फिर से रिवाइज कर लो। और इसके अलावा आपको इंटरेस्ट वगैरह जगाना है तो आपने जो अभी चालू है, जो चीजें चल रही है वो चीजों को ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है, कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, तो ये सब चीजें आप पढ़ते रहो तो आपको इसमें और इंटरेस्ट आना चालू होगा। तो आपको मेन वही है, इंटरेस्ट आएगा तो आप इसमें और अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इवन 70, 80, 90 मार्क्स लाने की भी संभावना है, आप पॉसिबल है, इजीली आप मिल सकते हैं। तो देखते हैं आप कौन कितना स्कोर करता है, इवन 90 के ऊपर भी आप कर सकते हैं स्कोर। तो देखिए, क्योंकि क्या जितना आपका टॉपिक जो है वो टेक्निकल होता है ना, उतना ज्यादा स्कोर करने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा आप अपने बारे में बताइए, तो आप कुछ नहीं बता पाऊंगे, आप बोलूंगे सर क्या बताऊं, लेकिन मैं बोलूंगा बताओ आपने कितना पढ़े हो, आप सीधा सीधा बताओगे मैंने 10th किया हूँ, 12th किया हूँ, फिर मैं बीकॉम कर रहा हूँ और सीए में ये इतना पास हो गया हूँ, अभी ये चल रहा है। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है, टू द पॉइंट है, तो आप बराबर बताओगे। जनरल क्वेश्चन के आंसर्स लिखना मुश्किल होता है, और क्योंकि कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक ही चीजें हैं तो इसीलिए यहाँ पे आंसर लिखना आसान हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप समझते हैं तो। रटने के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने आप समझ के याद रहेगा। जैसे प्रमोटर की डेफिनेशन मैंने बताया, आपको यही याद हो जाएगी कि प्रमोटर मींस ऐसा व्यक्ति जिसको नाम लिख दिया गया है इन प्रॉस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न्स, फिर जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी या फिर जिसके बोलने पे कार्य किए जाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से याद रखते हैं तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है? और कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जैसे प्रॉस्पेक्टस, एनुअल रिटर्न्स, ये सब आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो एनुअल रिटर्न्स यानी क्या, तो साल खत्म होने के बाद फाइल किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस यानी पैसा अपने को जब रेस करना है पब्लिक से तब, ठीक है? फिर जैसे अकस्टम टू एक्ट, तो इस प्रकार के वर्ड्स आपको लिखने हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह सिर्फ बोर्ड लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो ये अपन अब अगले इसमें देखेंगे कि फीचर्स वगैरह कैसे क्या निकल के आते हैं। तो ऐसा है, आपको साथ साथ में पढ़ते जाना है, और कोई भी हेल्प लगी तो आप हमको हमारे चैनल पे या हमारे मेल आईडी पे लिख के भेज सकते हैं। चलिए, थैंक यू।